तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो चल रही है और आप फेस्टिवल भी अपना एंजॉय कर रहे हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का, जो आपका डेली प्रैक्टिस सेशन होता है। आज सेशन नंबर 5 है और अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो भी आप ये समझ सकते हैं कि एक तो क्या है कि जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग में वो आपको कराए जा रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है कि आपकी जो थिंकिंग है, ठीक है, क्वेश्चंस को डील करने की। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपसे, आपसे क्वेश्चन बनते हैं, बट जो मेन थिंग है वो क्या है, हमारे पास टाइम बाउंडेशन। तो उस पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन में अगर कोई क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के बीच में हो सकता है तो वो हमारा 5 से 10 सेकंड में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वही मेरा मेन मकसद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे और जल्दी ही हम लोग लाइव सेशन भी लिया करेंगे, बस थोड़े दिनों की और बात है, ठीक है। चलिए भी, तो आज का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है आपकी स्क्रीन पर, और आपको बताना है कि इसमें से क्या रहने वाला है आपका लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट पेयर है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। देखो, इनका कोई फिक्स लॉजिक तो होता नहीं है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि आपको यही कि यहाँ पे खुद देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा लॉजिक वर्क कर रहा है। अब जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ 16 है या 112 है, यहाँ 15 है या 105 है, यहाँ 18 है या 128, और यहाँ 17 है या 119 है। तो मुझे 16 की टेबल आती है, 15 की टेबल आती है, 18 की भी आती है और 17 की भी आती है। तो क्यों ना मैं क्या करता हूँ, 112 को डिवाइड करके देखता हूँ 16 से, तो ये कितने टाइम्स जा रहा होगा। आप कहोगे सर ये 7 टाइम्स चला गया। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ऑप्शन बी दिख रहा है 105 को अगर 15 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितने टाइम्स जाएगा। आप कहोगे सर ये भी 7 टाइम्स जा रहा है। मैंने कहा वाह, मतलब हमारा लॉजिक बन चुका है, ठीक है। अब अगला जो नंबर है 128, क्या 128 18 के टेबल में आएगा, ये तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखता हूँ 119 डिवाइडेड बाई 17, तो ये कितनी बार जा रहा होगा। आप कहोगे सर ये भी 7 टाइम्स जा रहा है। इसका मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पे क्या है डिफरेंट है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास रिलेशन है जो क्या है इन बाकी तीनों से डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास क्या है भी यहाँ पे आपको बताना है कि अगर प्लाइट को इस तरीके से लिखा गया है तो कैंडल को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, प्लाइट है PLIGHT, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे J, यहाँ पे M, यहाँ पे Q, यहाँ पे U है, यहाँ पे I है और यहाँ पे H है। अब मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, भी यहाँ पे आप इनके सबसे पहले कोड लिख लिया करो, ठीक है। तो P का बताइए कितना होता है, अब तो आपको याद होंगे P का होता है 16, L का कितना होता है 12 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है, H का 8 होता है, और T क्या होता है T20 होता है, ठीक है। J कितना होता है हमारे पास 10 होता है, M कितना होता है 13 होता है, Q कितना होता है 17 होता है, U हमारे पास कितना होता है 21 होता है, I कितना होता है 9 होता है, और H कितना होता है 8 होता है। अब जैसे ही मैंने कोड लिखे आपको कुछ चीजें नजर आने लगी, ऑब्जर्व होने लगा है यहाँ पे। आप कहोगे सर बिल्कुल ऑब्जर्व होने लगा, आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ से, आप कहोगे कि सर जो 16 लिखा है, ठीक है, 16 में अगर 1 जोड़ता हूँ तो 17 मिलता है। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक है सर, अगर आप 9 में 1 जोड़ते हो तो आपको 10 मिलता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली अगर आप 12 में 13 मतलब 1 जोड़ते हो तो आपको कितना मिलता है 13। उसके बाद देखोगे तो 7 में आप 8 जोड़ो 1 जोड़ोगे तो 8 मिलेगा, 20 में आप 1 जोड़ोगे तो 21 मिलेगा, और 8 में आप 1 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे 11 ऐड किया जा रहा है, और वो भी कैसे डायगनल चल रहा है, और यहाँ पे क्या है सिमिट्री आ रही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से लॉजिक बन चुका है। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पे CANDEL, CANDLE। अब यहाँ पे मुझे पता लग चुका है सिमेट्री है, तो हम लोग सिमेट्री के फॉर्म में लिख देते हैं। अब कैंडल का सी का कोड होता है 3, ठीक है, ए का कोड होता है 1, एन का होता है 14, डी का कोड होता है 4, एल का कोड होता है 12, ई का होता है 5। तो डायगनली तो लिखना है हम लोगों को, तो डायगनली लिख सकते हैं यहाँ पे। भाई 3 में डायगनली क्या होगा 4 होगा, 1 का क्या होगा 2 होगा, और 14 का क्या होगा 15 होगा,
14 का क्या होगा 15 होगा, चलो 4 का क्या होगा 5 होगा, 5 का क्या होगा 6 होगा, और 12 का क्या होगा 13 होगा। अब आपको कोड याद है, आप कहोगे हाँ सर याद है, 15 का O होता है, 2 हमारे पास B बनता है, 4 हमारे पास D बनता है, 6 हमारे पास F बनता है, 13 हमारे पास M बनेगा और 5 हमारे पास E बन जाएगा। तो अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं, OBD और FME, OBD FME जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। हमें क्या करना है यहाँ पे सीरीज को कंप्लीट करना है, तो चलो इसको करते हैं। क्या लिखा हुआ है 215, 271, 256, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 215, 231, 256, 292। इसका मतलब तो यही है, यहाँ पे कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ही बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर 215 लिखा है और यहाँ पे 231 लिखा है, तो 231 में अगर 230 होता तो 15 ऐड करता, मतलब यहाँ पे मैंने 16 ऐड किया। ठीक है, 256 है और यहाँ पे 231 है, इसका मतलब यहाँ पे मैंने 25 ऐड किया होगा। यहाँ पे कितना लिखा है 292 और यहाँ पे कितना है 256, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे ये मेरे पास आ रहा है 6 6 12, मतलब 36। दैट मीन्स ये मेरे पास 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास 5 का स्क्वायर, ये मेरे पास 6 का स्क्वायर, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 7 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो आप क्या कर रहे होगे, 292 में 49 जोड़ रहे होगे, तो जैसे आप 49 जोड़ोगे इसका मतलब वो आपके पास यूनिट डिजिट आएगी 1, और 1 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 341 हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर 396 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, अभी 24 लिख रहे हैं, 28 को क्या लिखा जाएगा रिलेशन बताना है, और 30 को हम लोग क्या लिख रहे हैं 372 भी लिखा जा रहा है। ठीक है, अब 396 बनना है और 24 बनना है, अच्छा, और यहाँ पे 30 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है 372 है, तो अगर मैं 30 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा भी, वो तो 900 के आसपास पहुंचेगा, हमें तो 672 जाना है, और यहाँ पे क्या लिखा है 24, अच्छा देखो ये 396 है और 24 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, 500 के क्रम से पहुंच जाएगा या 400 के क्रम से पहुंच जाएगा। हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं 24 में से 4 निकाल देता हूं तो ये 20 बनता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, यहाँ पे आपने कहा ठीक है, तो मैंने क्या किया फिर से यहाँ से 4 निकाल दिया तो 396 बन गया, तो यही लॉजिक इसमें भी वर्क करना चाहिए। तो मैंने क्या किया 30 में से 4 निकाला तो ये कितना बना 26 बना। अब 26 का स्क्वायर करेंगे तो भी 26 का स्क्वायर याद है, अगर याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो, अदरवाइज आप जो है कि कोशिश कर लो कि आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, तो 3 हो जाएगा, 12 12 24 और 24 और 3 27 और यहाँ पे 2 2 4 676, तो 676 में हमारे पास क्या करना चाहिए, देखो बन गया ना, बन गया 676 में से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4 घटा रहे हैं तो 672 बना। अब 28 की बारी आती है तो 28 का भी यहाँ पे फटाफट स्क्वायर कर लेते हैं, तो देखो 8 2 64, ठीक है, तो 16 16 32 32 में 4 जोड़ोगे, सॉरी 32 में आप इतना जोड़ोगे 6 जोड़ोगे तो 8 होगा, और यहाँ पे कितना आया 32 तो 3, तो ये कितना हो गया 784। ठीक है, 784 में आप क्या करोगे, अच्छा सॉरी हमें यह करना था यहाँ पे माइनस भी तो करना है 24, ओके तो 24 का स्क्वायर करना था हमने, ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं, तो 24 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास, 24 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये 16 हो गया और यहाँ पे 8 और 8 9 16 और 17 और यहाँ पे कितना हो गया 17 और ये कितना आ गया 576। 576 में आपने 4 और निकाल देना है तो 572, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बनेगा ऑप्शन 4, दैट इज 572। आपने क्या किया 28 में से पहले 4 माइनस किया, ठीक है, तो ये 24 कैसा है, 28 में से मैंने 4 माइनस किया तो मुझे 24 मिला, फिर मैंने 24 का स्क्वायर किया, स्क्वायर कितना आया 576 आया, फिर उसमें से मैंने क्या कर दिया 4 निकाल दिया। आप इसको और आसान तरीके से कर सकते थे अगर आपको क्या आती है स्क्वायर वाली वैल्यूज याद थी, ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में,
सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भी आपके सामने, तो यहाँ पे है, और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने पहली बात तो ये बता रखा है कि अब तक से लेके हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं अपने सेशन में, हमें इक्वल टू हमेशा लास्ट में दिख रहा है। तो अगर मेरे पास इक्वल टू लास्ट में दिख रहा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर दो, इसको टिक कर जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं इसको आप चेक करके भी दिखा देता हूँ। और दूसरी बात, मैंने ये बोली थी कि डिवीजन का सम ये जो लग रहा है सिंबल, ये वही आएगा जहां पे क्या है नंबर आपका डिविजिबल हो रहा होगा। तो एक कंडीशन तो ये वाली दिख रही है डिविजिबल की, एक कंडीशन ये दिख रही है ना, 15/3 को काट देगा और ये भी काट देगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं। तो 48 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 12 से, मल्टीप्लाई 8 से, प्लस का 15, माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू 44। तो 48 में से आपने जब 12 निकाला तो ये कितना बचा आपके पास, 4 बचा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 32। 32 में से आप 15 और जोड़ दो तो आप कहोगे सर ये 47 हो गया, 47 में 3 निकालोगे तो 44, मतलब मेरा LHS इसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो कि अगर आपको टाइम भी बचाना है, अगर आप चीजें से जुड़े हुए कनेक्ट हो मेरे साथ अगर डेली बेसिस पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपके पास क्या है भी, एक पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे चीजें विजिबल है। चलिए, तो ये भी आपको दिख रहा होगा। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, अभी ऊपर से नीचे तरफ फोल्ड किया, फिर नीचे से आपने इस साइड से फोल्ड किया। अब इसको आप ओपन करोगे तो ऐसे ओपन होगा, फिर आपने यहाँ पे एरो लगा दी है, तो दैट मीन्स ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो ये मिरर इमेज ऐसे बन जाएगी, और ये वाली मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये वाली मिरर इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है, ये ऐसे बनेगी। तो अगर मैं देखूं तो मुझे एक ऑप्शन यहाँ पे, देखो ये तो नहीं बन सकता, मिरर इमेज बनेगी ना, तो एक ऑप्शन तो ये वाला नजर आ रहा है, एक ऑप्शन ये भी बन सकता है, एक ऑप्शन ये भी बन सकता है। चलो अब इसको फर्दर ओपन करेंगे, जब फर्दर ओपन करेंगे तो ये वाला तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एज इट इज चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखो उसके बाद क्या रहेगा, भी ये वाला भी एज इट इज होगा, मतलब इस साइड में ये ऐसे बनेगा और इस साइड में ये ऐसे बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला गलत हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बना, वो क्या है, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, गाइड लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्ट्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंटर लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इनमें से अलग क्या चीज है। भाई गाइड है तो गाइड आप लोग जानते हो, जैसे मॉन्यूमेंट वगैरह देखने जा रहे हो तो कोई आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए करता है, गाइड करता है। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, गाइड कैसे भी सकता है, लोकेशन है, या आपको अपने करियर के लिए गाइड हो जाता है, या फिर आप देखते हो कि आपको कोई थीसिस वगैरह करनी है तो उसके लिए भी गाइड है। मतलब गाइड क्या है, एक यहाँ पे रोल जॉब है, यह है ना, ये क्या है, एक तरीके से रोल जॉब कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है, उसका आपको रोल निभाना है एक तरीके से। इंस्ट्रक्टर क्या है, इंस्ट्रक्टर भी क्या है, सेम ही चीज है, यहाँ पे क्या है, ये भी एक रोल फॉर्म कर रहा है कि, ठीक है। मेंटर, मेंटर भी वही चीज हो गई, यहाँ पे रोल जॉब है। ठीक है, जब तक आप मेंटर होता है मेंटर, उसके बाद आप हट जाओगे, आपका जॉब खत्म, आपका मेंटर भी खत्म। लेकिन ये मिस्ट्रेस जो है, ठीक है, जो यहाँ पे शादी के बाद चेंज होती है ना, शादी करने के बाद जो चेंज होती है वो क्या बन जाती है, तो ये कोई एक रोल जॉब नहीं है, ये कोई एक रोल जॉब नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इसका क्या है, यही इसका एक लॉजिक है, अदरवाइज क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें करना क्या था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बट वो भी थोड़ा सा ढटकर क्वेश्चन। बोला गया है कि यहाँ पे राम है, रजत है और रमेश है, वो क्या है, 3 सन है कविता के। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कविता को, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाते हैं, कविता को, ये काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने बनाया कविता, ए फॉर कविता, तो एक फीमेल है तो नेगेटिव होगी। तो कविता के 3 बेटे हैं, एक बेटा है राम, एक बेटा है रजत, और एक बेटा कौन है, रमेश है। 3 बेटे बना दिए हमने। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है मुकुल इज द सन ऑफ राम, तो जो राम है उसका सन कौन है, मुकुल। तो मुकुल क्या हो गया, अभी इसका सन हो गया राम का। चलो मुकुल पैटर्नल ग्रैंडफादर इज जय, भाई मुकुल के पापा के जो फादर हैं, ग्रैंडफादर तभी तो हुए, वो कौन है, जय है। इसका मतलब क्या है भी, यहाँ पे ये जय इसका कविता का हस्बैंड हो जाएगा, तो ये मैंने प्लस करके दिखा दिया। जय हैज 1 डॉटर, ये जो जय है इसकी क्या है भी, एक डॉटर है, तो वो डॉटर सपोज करो यहाँ पे मैंने बना दी, तो उसका नाम क्या है, यहाँ पे उसका नाम है निकिता, उसका नाम क्या है, निकिता। ठीक है, मतलब ये कौन है, आपस में भाई बहन है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, निकिता,
रजत सन, रजत का जो सन है उसका नाम है अब्राहिम, क्या नाम है भी उसका नाम है अभिराम, अभिराम है रजत का बेटा। और इसने जो शादी करी है मैरिड टू रानी, इसने किससे शादी करी, रानी से शादी करी, ये बना। एंड देयर डॉटर इज ईना, और इनकी जो बेटी है उसका नाम क्या है, ईना, क्या नाम है, ईना, ठीक है। चलिए आपको अगर ठीक है सर, अब पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि निर्मला इज द डॉटर ऑफ निकिता, जो निर्मला है वो निकिता की बेटी है। चलो ठीक है, पहली बात तो इस निर्मला से कुछ लेना देना था नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपसे जे और ईना का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो भी जे कहां पर है, जे यहां पर है, कहां गया हमारा जे, ये रहा जे, ये रहा, और ईना कहां पर है, ये रही। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिलेशन बताओ क्या होगा। अब आप देखो भाई, जे का जो बेटा है वो है रजत, और रजत का भी बेटा है वो कौन है, उसका जो लड़की है उसका नाम है ईना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रही है, दो ऑर्डर की साइकिल बन रही है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसके पापा अब्राहिम है, अब्राहिम के पापा भी क्या है, रजत है। तो रजत क्या होता है, इसका दादा होता है, लेकिन दादा का जो पापा है वो क्या बन जाएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन वन आपको चमक रहा है और वो हो जाएगा ऑप्शन वन। तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पे, ऑप्शन वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है कुछ, आपको रिलेशन दिया हुआ है और आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। फ्लावर, तो फ्लावर क्या है भी, फ्लावर, और यहाँ पे फ्लोरिकल्चर है, तो रिलेशन दिया हुआ है। मतलब क्या है कि जो कल्टिवेशन, जो खेती होती है फ्लावर की, उसको आप लोग क्या बोलते हो, फ्लोरिकल्चर बोलते हो। तो इसमें से कौन सी बात यहाँ पे सत्य है, ये बोला गया है, मशरूम। तो मशरूम का क्या है, विटीकल्चर नहीं होता, मशरूम का क्या होता है, फंगाई कल्चर होता है, ठीक है। मशरूम का क्या होता है भी यहाँ पे, फंगाई कल्चर, ठीक है। तो विटीकल्चर नहीं होता, सिल्का सिल्विकल्चर नहीं होता है, अर्थवॉर्म का तो आपने पढ़ा है ना, वर्मी कंपोस्ट आपने नाम सुना होगा। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है यहाँ पे, यही तो है अर्थवॉर्म की। तो अर्थवॉर्म का जो कल्टीवेशन होता है उसको हम लोग वर्मी कल्चर बोलते हैं। सिल्विकल्चर नहीं होता है, ये सेरिकल्चर होता है, क्या होता है, सेरिकल्चर, ठीक है। इतना क्लियर है, चलो ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दिया है हनी, हनी का देखो हॉर्टिकल्चर नहीं होता, हनी का होता है एपिकल्चर, क्या होता है, एपिकल्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, तो उसने पूछा था सही कौन सा रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वो है ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि मैंगो को अगर ऐसे कोड किया जाता है तो आपको बताना है कि इसमें किस तरीके से कोड करेंगे। तो देखो आप अगर मेरे साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, पिछले सेशनों से, तो आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वोवल का भी खेल होता है, कॉन्सोनेंट का भी खेल होता है, कभी कभी वोवल्स की मल्टीप्लाई किसी और नंबर से कर देता है तब आपको दिखता है। तो अब आप समझ गए होगे इस क्वेश्चन को देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है मैंगो और यहाँ पे क्या लिखा है, मैंगो को उसने क्या लिखा, 12-13 लिखा, ए को कितना लिखा, 2 लिखा, एन को 42 लिखा, जी को 7 ना लिख के 28 लिखा, और ओ को 75 लिखा, ठीक है। अब ये नंबर कैसे आ रहा होगा, अभी देखो ये नंबर 13 तो क्या है, M का कोड कितना है 13, A का कोड कितना है 1, N का कोड कितना है आप कहोगे सर 14 है, G का कोड कितना है आप कहोगे 7 है, O का कोड कितना है 15 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 13 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 13 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो 2 आएगा, 14 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 42 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 28 आएगा, 15 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 75 आएगा। इसका मतलब यही रिलेशन आपके लिए ग्रेप के लिए भी फॉलो हो रहा होगा, होना तो चाहिए भी। यहाँ पे 7 है, यहाँ कितना है मेरे पास 18 है, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ मेरे पास 16 है, और यहाँ मेरे पास 5 है। तो पहली मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 7 आना चाहिए, इसकी 2 से करूंगा तो 36 आना चाहिए, इसकी 3 से करूंगा तो 3 आना चाहिए, 16 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 64, इसकी 5 से करूंगा तो 25। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल एज इट इज लिखा है, 7, 36, 3, 64, 21। अब आपसे क्या पूछा गया है भी, एप्पल का फिर बता दो हमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ APPLE, ठीक है। A का मतलब 1 है, P का मतलब कितना है 16 है, P का मतलब 16 है, L का मतलब 12 है, इसका मतलब 5 है। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 1 आएगा, 16 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 32 आएगा, 16 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 48 आएगा। तो देख लो भी 1, 32, 1, 32,
48, और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बाकी आपको चेक करने की नीड नहीं है, करते तो ये चार बार तो 48 हो जाता और फिर क्या होता है 5 बार होता 25 हो जाता। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करने में मजा तो आ रहा है ना भी, आप लोगों को मजा आना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइलोग का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा, चलो क्या लिखा है, नो गेस्ट इज ट्रेन। ठीक है, नो गेस्ट इज ट्रेन, तो यहाँ पे क्या है, आप गेस्ट लिख दो और यहाँ पे लिख दो ट्रेन, फॉर ट्रेन, ठीक है, या टी आर कर दो। चलो उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला जा रहा है कि ऑल ट्रेंड आर एम्प्लॉय, देखो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। फिर बोला गया है कि जितने भी ट्रेंड हैं वो क्या है, एम्प्लॉय है। मैंने कहा ठीक है चलो इसके अंदर आ गया, सम एम्प्लॉय आर टॉल, तो यहाँ पे क्या है भी, कुछ एम्प्लॉय क्या है, टॉल है, तो सम का क्या हो गया, इस तरीके से बन जाएगा। चलो ये टॉल का भी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन पे आते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं भी यहाँ पे सम टॉल आर ट्रेंड, तो टॉल का है ये रहा, ट्रेंड का है ये रहा। देखो सम टॉल्स आर ट्रेंड, इसमें तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कंडीशन ऐसी बन सकती है टॉल की, बन सकती है जो मुझे दिखाई दे रही है भाई, एम्प्लॉय के साथ तो क्या है रिलेशन बन रहा है टॉल का, लेकिन ट्रेंड के साथ तो नहीं दिया हुआ, मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, है ना। 100 में एक कंडीशन ऐसी निकली जो 100% ट्रू नहीं है, तो मैं कहता हूँ अगर 99% भी ट्रू है तब भी क्या है ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या है कि सम एम्प्लॉयज आर ट्रेंड, हाँ सम एम्प्लॉयज आर ट्रेंड, ये तो सेटिस्फाई और ये हमेशा सेटिस्फाई होगी, मतलब ये तो ठीक है। नो टॉल इज गेस्ट, टॉल का है ये रहा, गेस्ट क्या है ये रहा, भाई टॉल के साथ देखो जो बात नहीं होनी थी वो गेस्ट और ट्रेंड ही नहीं होनी थी, लेकिन टॉल वाले तक तो बेचारा वो तो इसके साथ भी तो आ सकता है, टॉल के लिए तो कोई ना नहीं है, मतलब ये भी क्या है बन सकती है कंडीशन, इसलिए क्या है ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन टू, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या बात आपको क्लियर है, चलो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे क्या करना है, फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग करिए सॉल्व। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मुझे सर्कल 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 सब में दिखाई दे रहा है, तो मैं सर्कल को ही यहाँ पे उठा लेता हूँ, सर्कल सर्कल सर्कल, चलो सर्कल है कहीं पे भी होगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली, यहाँ देखो दो लाइनें हैं, यहाँ पे कितनी साइड है, तीन साइड है, यहाँ कितनी साइड है, चार साइड है, इसका मतलब जो नेक्स्ट साइड होगी उसकी साइड बढ़ेगी, तो पांच होनी चाहिए, पांच मतलब कहीं पेंटागन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हेक्सागन दिख रहा है, यहाँ पे हेक्सागन दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, एक ही फिगर ऐसी जिसमें मुझे क्या दिख रहा है, पेंटागन दिख रहा है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको देखना ही नहीं वो कैसे कैसे घूम रहा है। चलिए भी आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है भी शीप, शीप का बच्चा कौन होता है, लैम्प होता है, तो कॉकरोच का बच्चा क्या कहलाता है, कॉकरोच का बच्चा कहलाता है निम्फ, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है चलो, कर पा रहे हो ना, बढ़िया। अब यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, खतरनाक खतरनाक नंबर है, आपसे पूछा हुआ है भी, आपको बताना है ये जो क्या लिखा है हमारे पास, 14 है, 14 का अपोजिट क्या होगा, 14 का अपोजिट हमसे पूछा हुआ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा दो, 10 है, 11 है, फिर क्या है भी 13 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 10 है, फिर कितना आएगा, 14 आएगा, फिर कितना आएगा यहाँ पे, 9 आएगा। आपसे पूछा था अभी यहाँ पे 14 का अपोजिट क्या होगा, 14 का अपोजिट यहाँ पे क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े चलो, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें क्या है ये फिगर आपको इसके अंदर एम्बेडेड है। ठीक है चलो, क्या भी क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा ना, तो थोड़ा सा छोटा कर, ये रहा बताइए, जो फिगर इसमें आपको दिख सकती है, देखो अगर मुझे इस वाले पोर्शन को मैं देखूं, ये वाला ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये मुझे यहाँ पे चमक रहा है, हो सकता है कि आपको ये वाला भी चमक रहा हो, मैंने कहा कोई बात नहीं है ये भी दिख रहा है, हमें तो दिखना है इस साइड वाला, तो ये वाला तो नीचे की तरफ तो एक ही मुंडी है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, बाकी तो मुझे नहीं दिख पा रहे हैं। बात क्लियर है, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे निकालना है भी कितने इसमें क्या है रेक्टेंगल्स हैं, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इसकी करूंगा नंबरिंग, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,
यहाँ टू, यहाँ थ्री, यहाँ फोर और यहाँ फाइव और यहाँ सिक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भी यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल है तो देखो स्क्वायर क्या है, एक टाइप का रेक्टेंगल है ना, एक स्पेशल केस है रेक्टेंगल का जिसमें क्या है चारों साइड बराबर होती है। इसका मतलब अगर स्क्वायर भी बन रहा है तो मैं उसको काउंट करूंगा। ठीक है, अब देखो आपको मैं रेक्टेंगल यहाँ पे गिनाता हूँ। सबसे पहले रेक्टेंगल तो आपके पास ये छह आपको दिख रहे हैं, छह तो नॉर्मल हो गए। उसके अलावा और कौन से रेक्टेंगल बन रहे हैं आपको? सिर्फ अगर वन और सिक्स को मिलाओगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फिर कह रहे हो कि सर आप वन और टू को मिलाओगे तब भी आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब मैं अभी दो दो पेयर वाले घूम रहा हूँ। फिर कहोगे कि सर आप टू और थ्री को मिलाओगे तब भी आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। फिर आप थ्री और फोर को मिलाओगे तब भी आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। फिर फोर और फाइव को मिलाओगे तब भी आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। दिख रहा है ना, ये वाला केस हम ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अब दो दो के खत्म हो गए, अब हम क्या करते हैं तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। तो तीन तीन के जोड़े कहाँ दिख रहे हैं आपको? देखो वन टू थ्री, तो मैं लिखता हूँ वन प्लस टू प्लस थ्री, एक रेक्टेंगल तो इनसे बनेगा तीन के जोड़े से। फिर टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये भी आपके पास बन जाएगा। अब क्या होगा, टू प्लस थ्री फोर के बाद फिर आपके पास कोई तीन वाला जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने अभी दो के कुछ जोड़े मिस करे हैं क्या? तो वन और टू से ले लिया हमने, टू और थ्री से ले लिया, थ्री और फोर से ले लिया। ठीक है, तो टू थ्री फोर और वन टू थ्री, तो देख लेते हैं ना यहाँ पे कितने बने। छह ये हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात ये हो गए, कितना हो गया चौदह हो गया, सॉरी तेरह हो गया। अब आप एक देखो कि सर आपने एक तो रेक्टेंगल मिस कर दिया, कौन सा कर दिया सर? जो चार वालों से मिलके बन रहा है, कौन सा? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है ना भाई। ये वाला रेक्टेंगल तो सर आपने छोड़ ही दिया, ये कैसे छोड़ दिया भी आपने? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने वन और जोड़ना है, तो कितना हो गया 14 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपके पास? ऑप्शन वन दैट इज 14। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है सर इसमें मिरर इमेज क्या बनेगी। मैंने कहा ठीक है चलो बनाते हैं मिरर इमेज। तो मिरर कहाँ रखना है अभी? राइट साइड में रखना है, तो राइट साइड तो यही कहलाएगी इसकी, इसकी राइट साइड तो यही कहलाएगी। तो यहाँ पे आपने मिरर रख दिया, चलो तो देखो भी कैसे कैसे बन रहा है। क्या ये बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। उसके बाद सबकी मुंडी ऊपर उठी पड़ी है। ये वाला बन सकता है क्या? ये बन पाएगा कभी? ये नहीं बन पाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो भाई। अब क्या है, ये क्या है? नीचे की तरफ है तो ये तो ऊपर की तरफ है, क्या ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब सर एक ही ऑप्शन मुझे बच गया, यही मेरा आंसर हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है आपने इस क्वेश्चन में, आपने ये जो सीक्वेंस चल रहा है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो भाई यहाँ पे तरीका क्या है, मैंने आपको हमेशा बताया कि हम क्या करते हैं। देखो पहली बात तो क्या है कि जी तो सब में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर जी फंस रहा है, ठीक है, अगर जी फंस रहा है तो मैं लास्ट में देखो सबके अलग अलग है तो मैं लास्ट वाला लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है, लास्ट में डी है, यहाँ पे क्या है आई है, यहाँ पे क्या है एन है, तो अगला क्या होगा? तो भाई आपको क्या है, याद तो है प्लेस वैल्यू, जी की चार होती है, आई की नौ होती है, इसकी कितनी होती है 14 होती है। यहाँ पे कितना जोड़ रहे हो आप? पांच जोड़ रहे हो। यहाँ पे कितना जोड़ रहे हो आप? पांच जोड़ रहे हो। तो यहाँ पे भी कितना जोड़ोगे आप? पांच जोड़ोगे। तो 14 प्लस 5 19 हो गया, 19 का मतलब S हो गया। और अगर S हो गया, जी आप चेक कर लो आपके पास आएगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन में क्या है, जी है। तो आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से आप सॉल्व करोगे और आप श्योर होगे कि भाई हमारे पास जो तरीका है हमने बिल्कुल सही किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है भी यहाँ पे क्या है, देयर आर 28 पर्सन प्रेजेंट एट अ कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 28 लोग हैं जो एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हैं। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस दे ऑल शेक हैंड्स विद ईच अदर। क्या करते हैं भी बाद में, क्या करते हैं दूसरे को? अब जैसे ये हैंड शेक वाला क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, कॉम्बिनेशन वाला समझ में आ गया कि यहाँ अगर भी एक पर्सन और एक पर्सन दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, इफ सेवन ऑफ देम रिफ्यूज टू शेक द हैंड। अगर भी यहाँ पे क्या किया, 28 में से सात लोगों ने मना ही कर दिया, हम नहीं मिलाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रहेगा? 21 लोगों ने हाथ मिलाया होगा। देन हाउ मेनी हैंड शेक्स विल बी देयर ऑल टुगेदर। तो आपने क्या बोला है कि सर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कितने होंगे, जितने भी पर्सन होंगे, और एक हाथ क्या है भी, जब एक और हाथ और एक मिलता है तो कितने कॉम्बिनेशन, यहाँ पे दो बन रहे हैं। हमें क्या करना है, एनसी टू करना है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो एनसीआर होता है क्या, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 28 है, 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 28 में से 2 निकला कितना होता है 26 फैक्टोरियल। तो भी 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 इंटू 27 इंटू 26 का फैक्टोरियल। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे क्या है ना 28 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे कितने लोग हाथ मिला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 21 लोग हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे 21 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे फिर 19 फैक्टोरियल, ठीक है 19 फैक्टोरियल, क्यों कितने हाथ मिला रहे हैं यहाँ पे, आप कहोगे सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 21 लोग हाथ मिला रहे हैं, इसलिए तो 21 × 20 और यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 1 है ना वही रहेगा, और 19 फैक्टोरियल एज इट इज। ऐसा क्यों लिखा, ये कट गया, 2 से ये 10 बार चला गया, तो कितना आ गया आपके पास 210। तो आपका आंसर कितना बन गया 200, क्लियर। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन करते हैं अभी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4, 8 और 16, ठीक है 4, 8, 16 है, तो आपको बताना है कि अगला टर्म क्या होगा। 4, 8, 16 आपको बताना है विच आर रिलेटेड, रिलेशन बताना है, ठीक है। तो चलो देखो, देखो 4 भी है 8 भी है, सब क्या है मल्टीपल है किसके, 4 के, तो 4 ठीक है, और यहाँ पे 16 का अंडर रूट कितना होता है, मतलब 4 × 4 अंडर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, तो ये भी क्या देगा 4 देगा, और ये 4 जो पहला वाला 4 लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ लिखा है, और इसका अंडर रूट करके ये किया है, तो प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी, वो मिलेगी 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर रूट बनना जरूरी है, 15 स्क्वायर रूट होता है किसी का नहीं होता है, 51 होता है किसी का नहीं होता है, 44 स्क्वायर रूट होता है बिल्कुल नहीं होता, तो एक ऑप्शन बच रहा है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 20 लिखा, ठीक है, प्लस 16 किसका स्क्वायर रूट है, भी 4 का है ना 16, ये कितना बन रहा है 24 बन रहा है, जो बीच वाला नंबर है बिल्कुल है, यही मेरा क्या हो गया उस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और ये सेटिस्फाई कर गया, क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास क्या है, एक वेन डायग्राम है, और यहाँ पे पढ़ते हैं, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द ट्राइंगल स्टैंड फॉर प्लेयर, जो ट्राइंगल है ये प्लेयर को दिखा रहा है, हेक्सागन स्टैंड फॉर इंडियन, हेक्सागन किसको दिखा रहा है भी, इंडियन को दिखा रहा है, और जो रेक्टेंगल है वो किसको दिखा रहा है, बॉयज को दिखा रहा है, द गिवन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल, आपको दे रखे हाउ मेनी इंडियन प्लेयर्स, भाई इंडियन होने जरूरी है, वो कैसे होने चाहिए, वो प्लेयर तो होने चाहिए लेकिन बॉयज नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए बॉयज नहीं चाहिए। अब मैंने आपके सामने ये पूरी कंडीशन यहाँ पे लिख, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन भी बड़ा कर देता हूँ, अभी आपके पास एक क्वेश्चन बन गया ये, अब आपको बताना है, तो आप क्या करोगे भी यहाँ पे, आप करोगे कि इंडियंस, पहले देखो कितने यहाँ पे इंडियंस हैं, तो इंडियन कहाँ पे है, ये रहा, ये इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियन होने चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे प्लेयर भी होने चाहिए, तो देखो यहाँ पे इंडियन प्लस प्लेयर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर इंडियन प्लस प्लेयर, तो देखो यहाँ पे तो खाली इंडियन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे देखोगे ना ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 10, तो ये 10 वाला वो ऑप्शन है जो क्या है, इंडियन भी है प्लेयर भी है, और वो इस रेक्टेंगल के बीच में भी नहीं आ रहे है ना, तो रेक्टेंगल के बीच में आने तो ये तो हमको लेना ही नहीं था, ठीक है। अब ये 15 जो दिख रहा है ना वो खाली प्लेयर है, ये जो 6 दिख रहा है वो खाली क्या है, इंडियन है, लेकिन 10 ऐसे प्लेयर है जो क्या है, इंडियन के साथ साथ यहाँ पर क्या है, प्लेयर है, तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 बन जाएगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सीक्वेंस है आपको वो फॉलो कर रहा है वो आपको बताना है, तो देखो सीक्वेंस के क्वेश्चन तो मुझे जो नए जो पैटर्न पे दिख रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं नए वाले पैटर्न की, तो मुझे इजी से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पी आर क्यू एस क्यू एस पी आर एस, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे डैश है, फिर क्यू है, फिर एस है, फिर ये है, अच्छा एस के साथ क्या लिखा है, पी लिखा है, तो मैं एस के साथ मैंने पी पकड़ लिया, ठीक है, एस के साथ मैंने पी पकड़ लिया, एस के साथ पी पकड़ लिया, तो एस पी, अब देखो यहाँ पे बीच में क्या आने वाला है, ठीक है, क्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि क्यू क्या है यहाँ पे एस के बीच में एक गैप है, कितने अल्फाबेट है यहाँ पे, एस है, पी है,
और आर है और क्यू है, मतलब चार ही अल्फाबेट है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर क्यू एस और पी रह गया तो मतलब यहाँ पे होना चाहिए आर, जो मुझको लगता है, ठीक है, जो मुझको फील होता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आर है तो क्या बनना चाहिए, अभी आर से पहले क्यू आना चाहिए, मतलब पी क्यू पी क्यू आर एस, ये सीक्वेंस बनना चाहिए। तो पहले क्या होगा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो मैंने क्या क्या यहाँ पे फिल किया, मैंने पी फिल किया, आर फिल किया, क्यू फिल किया, एस फिल किया, पी फिल किया, आर किया, एस किया, क्यू किया। तो देख लेते हैं, पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर पी आर, ये तो नहीं बन रहा, पी आर क्यू एस एस एस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पी आर एस क्यू एस, नहीं पी आर, अरे गड़बड़ भाई गड़बड़, ये कैसे हटा दिया, पी आर एस पी आर एस फिर क्यू फिर क्यू, ये एस कहां से आ गया, ये वाला कुछ गड़बड़ है क्या, हो सकता है कुछ ब्लैंक छूट, अच्छा आर के बाद भी एक ब्लैंक लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, फिर से पी क्यू आर एस, तो यही ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, ठीक है, कर ले जाओगे, बिल्कुल कर ले जाओगे। इसमें क्या है, आओ भी डिक्शनरी, ठीक है। तो यहां से चलो आप एक डिक्शनरी देखना तो सीख ही रहे हो, ठीक, चलो। तो क्या क्या लिखा हुआ, हाइजीन, हाइड्रोप्लेन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रो 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 हाइड्रोलॉजी, ओके। सबसे पहले क्या आएगा भी आपके पास, देखो सबसे पहले तो ओ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, ओ के बाद ई आ रहा है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो तीन आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे एल ओ आएगा तो पांच आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा भी आर ओ, अब देखो आर ओ पी है तो ये आना चाहिए, फिर आर ओ एक्स आना चाहिए चौथा, फिर आपके पास लास्ट में ये, तो तीन पांच दो चार एक, जो ऑप्शन मेरे को थर्ड दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको चार लेटर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पी एस वी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ इनकी नंबर सी लिख लेता हूँ, तब मेरे पास क्वेश्चन और आसान बन जाएगा। इसको पी का मतलब 16, एस का मतलब 19, वी का मतलब 22, एम पी एस, एम का मतलब 13, पी का मतलब 16, एस का मतलब 19, एन की बात करते हैं, एन का मतलब हमारे पास हो गया अभी 14, क्यू का मतलब 17, टी का मतलब 20, क्यू की बात करते हैं, क्यू का मतलब 17, टी का मतलब 20 और वी का मतलब 22। अब चेक करते हैं कि इसमें क्या अंतर बन सकता है, यहाँ पे कितने का अंतर है, तीन का अंतर है, यहाँ पे भी तीन का अंतर है, यहाँ तीन का, यहाँ तीन का, यहाँ तीन का, यहाँ तीन का, यहाँ तीन का और यहाँ दो का, तो डिफरेंट कौन सा हो गया, क्यू टी वी हो गया डिफरेंट, ठीक है। बात समझ में आई, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन फोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7, 51 और 22, ठीक है। तो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आर नॉट रिलेटेड इन द सेम वे, मतलब इस सीक्वेंस को क्या है कि हमें वो नंबर निकालना है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। सबसे पहले देखो कि ये 7 है, 22 है और ये क्या बन सकता है, देखो 7 लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 बनता है, 49 में 2 जोड़ता हूँ तो 51 मिलता है, बात बिल्कुल सही है। 7 की मल्टीप्लाई क्या करता हूँ, अगर 3 से करता हूँ तो 22, 21 मिलेगा, 21 में 1 जोड़ूंगा तो 22 मिलेगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि फर्स्ट नंबर में अगर कितना जोड़ देता हूँ, 15, तो मेरे को 22 मिलता है, अगर ठीक है, चलो एक बार चेक करके देखते हैं कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है। 3 का स्क्वायर करता हूँ, 9, 9 में 2 जोड़ता हूँ तो 11 मिलता है, हमने कहा ठीक है, तो ये भी चल रहा है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18, 6 का स्क्वायर प्लस 2 36, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2, ठीक है, मतलब पहला तो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, 18, तो देखो 3 प्लस, हाँ 3 प्लस क्या करता हूँ, 15 करता हूँ तो 18 मिल रहा है, ये तो मिल रहा है। 4 प्लस 15, तो 4 प्लस 15 मतलब 19 बन रहा है, 6 प्लस 15 21 नहीं बन रहा, 11 प्लस 15 ये बन रहा है,
मतलब इसका आंसर क्या है भी डिफरेंट पूछा था, वो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आपको भाई बात समझ में आ रही है? अगर आपको बात समझ में आ रही है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए भी इस क्वेश्चन को, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, वही कोडिंग वाला ही है, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। फोरेंसिक को इतने बड़े नंबर से लिखा है तो क्या हो सकता है इसके पीछे का लॉजिक? तो यहाँ पे क्या है भी F, लिख लेते हैं पहले F O R E N S I C। तो नंबर इतना बड़ा है, ऊपर से क्या है यहाँ पे डिजिट, क्या कोड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसका कोड है 6 12 18 22 14 19 18 3, ठीक है। अब क्या कुछ अंतर लग रहा है आप लोगों को? हाँ देखो, नॉर्मली क्या होता है भी, 6 का कोड है F तो ये तो बिल्कुल ठीक है। O का कोड 15 होता है, 15 को क्या करा है 27 बनाने के लिए अपोजिट लिखा है। क्या लिखा है ये इसका? अपोजिट, तो मैंने ऐसे शाइन कर दिया। R क्या है मेरे पास? एक कॉन्सोनेंट है और R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18। E मेरे पास क्या है? वॉवल, और इसका अपोजिट कितना होता है अभी? 5, और 5 में 22 जोड़ोगे 27, अपोजिट बन गया। N मेरे पास कॉन्सोनेंट है, एज इट इज लिख गया। R S मेरे पास कॉन्सोनेंट है, एज इट इज लिख गया। I मेरे पास क्या है? वॉवल है, और वॉवल का अपोजिट कितना हो गया? E, और ये भी मेरे पास कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे लॉजिक ये बन रहा है कि जो कॉन्सोनेंट है उसको तो हमने एज इट इज लिख दिया प्लेस वैल्यू, और जो मेरे पास यहाँ पे वॉवल शो हो रहा है उसका मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अपोजिट कर दिया है, ठीक है। और अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिखी, अपोजिट की क्या लिखी है आपने? प्लेस वैल्यू लिखी है। तो डी ओ आर एम को भी ऐसे लिखा है, तो हमें से पूछा गया है कि आप इस वाले शब्द को कैसे लिखोगे? कह रहा, ठीक है। तो एक ये वॉवल है, एक ये वॉवल है, एक ये वॉवल है, तो इसका तो 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? एक के अपोजिट 25, ठीक है। एक का अपोजिट कितना होता है? 27 बनाना होता है ना। आर आर कितना है यहाँ पे? 18। ए कितना है? फिर से 26। एम कितना है यहाँ पे? 13। ई कितना है मेरे पास? 22। एल कितना है मेरे पास? 12। ऑप्शन देख लो भाई यहाँ पे, अब तो ऑप्शन में भी टाइम लग रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 3 26 3 26 3 26 3 26, ये नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में कितना है? 22 12 22 12, ये नहीं होगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, 22 से पहले 13 लिखा है, यहाँ 14 लिखा है, यहाँ 13 लिखा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे? आपसे बोला जा रहा है भी यहाँ पे क्या है, 3 नंबर है और उनका जो सम है, सपोज करो भी आपके पास, और ये उसके ऑप्शन है, सपोज करो आपके पास क्या है भी, टोटल है 3 नंबर का, ठीक है। मान लो भी एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, जिसका सम कितना है? 240 है। एंड द सेकेंड नंबर इज 4 times द फर्स्ट नंबर। जो सेकेंड नंबर है सपोज करो वाई है, वो क्या है? 4 times है एक्स के। दूसरी कंडीशन क्या है? द थर्ड नंबर जो जेड है वो क्या है? 3 times है किसके? फर्स्ट नंबर के। ये भी दिया हुआ है। व्हाट इज द एवरेज दिया हुआ है आपको, सम दिया हुआ है, तो भी 3 का एवरेज निकाल सकते हैं। हाँ तो निकाल सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिवाइडेड बाई जितने नंबर है, यहाँ पे कितने? 3, और ये कितना हो गया? 80। तो आपका आंसर कितना हो गया? 80, ठीक है। मतलब ये जो डाटा था आपको सिर्फ ऐसे ही दे रखा था, चलो मॉल ले लिया, ठीक है। चलो भी आपके पास क्या है? क्यूब दे रखा है आपको, और आपको बताना है अपोजिट क्या होगा। भाई अपोजिट तो देखो, ई का अपोजिट क्या होगा? ए होगा, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होगा? डी होगा, ये साथ में हो नहीं सकते। तो डी का अपोजिट क्या होना चाहिए? डी का अपोजिट एफ होना चाहिए। आपसे पूछा होगा कि इसमें से कौन सा नहीं बनेगा, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वुड अपोजिट टू ईच अदर, इसमें से कौन सा बनेगा? तो डी का अपोजिट एफ बन तो रहा है, पहले का ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। बाकी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब ये जो डाइस वाला है आपने अगर पढ़ रखा है तो ये आसान ही, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी हमारे पास, वही कंक्लूजन वाला है, और यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। फॉलोज मतलब जहाँ पे एल आपको दिख रहा है, कंक्लूजन नॉर फॉलोज, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है कंक्लूजन,
मतलब आई गायब है और ओ गायब है, कंक्लूजन ठीक है बन गया ओनली, चलो ओनली उसके बाद क्या है यहाँ पे आई, कोई बात नहीं चलो। बोला क्या गया है यहाँ पे कि सम बाउल्स आर कप, तो कुछ बाउल्स क्या है कप है, तो ये रही हमारी बाउल और ये रही कप और ये क्या है कुछ है, तो हमने कुछ बना दिया। उसके बाद बोला गया है कि ऑल कप्स आर ग्लासेस, जितने भी कप हैं ये क्या है ग्लासेस हैं, तो ये कप हो गए और ये हमारे पास ग्लासेस हो गए। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है सम ग्लासेस आर प्लेट, तो कुछ ग्लासेस क्या है प्लेट है, तो हमने प्लेट बना दिया। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है कि ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स, जितने भी प्लेट्स हैं वो क्या है यूटेंसिल्स हैं, तो ये आपके पास हमने बना दिया यहाँ पे वेन डायग्राम। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बताना है कि क्या फॉलो हो रहा है। ऑल बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल, अब देखो बाउल कहाँ पर है, बाउल तो ये रहा ठीक है, ये रहा और ये क्या है यूटेंसिल है। क्या आपके पास बोला गया कि क्या ऑल बाउल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल, सारे के सारे बाउल यूटेंसिल नहीं हो सकते। आप कहोगे सर हो सकता है कि सर एक कंडीशन ऐसी हो जो प्लेट के साथ में है, ये वाली कंडीशन भी बन सकती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन सकती है कि ये क्या है एक येलो वाला यूटेंसिल हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है लेकिन 100% नहीं हो सकता, मतलब ये कंडीशन बन सकती थी और यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं हो सकता ऐसा। तो अगर नहीं हो सकता और यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन मुझको नजर आ रही है जो हो सकती है, तो ये 100% सही नहीं है। अगर ये 100% सही नहीं है इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कंक्लूजन गलत। उसके बाद बोला गया है कि ऑल ग्लासेस कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, जितने भी ग्लासेस हैं वो यूटेंसिल नहीं हो सकते। देखो फिर से वही वाली बात, इस डायग्राम में तो दिख रहा है कि सम हो सकता है और मैं कह रहा हूँ कि ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन भी हो सकती है तो मतलब ये वाला भी यहाँ पे गलत हो गया, और ये गलत हो गया तो यहाँ पे हमारे पास नाइदर वाला जो है वो यहाँ पे सही हो गया, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वही है जब पेपर आपको पास फोल्ड है तो ऐसी कंडीशन, जब पेपर को हटा देंगे तो ये कैसा बनता हुआ दिखाई देगा। आपके पास का एक सर्कुलर शेप है, सर्कुलर में पहले आपने हाफ फोल्ड किया, फिर उसके बाद ऊपर से फोल्ड किया, फिर आपने फर्दर उसको क्या किया यहाँ से कट कर दिया, ऐसे करके कट कर दिया, तो भी ऐसे कट करोगे तो ऐसे फूलेगा और ये वाला क्या जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये इसकी मिरर इमेज बनेगी, ये इसकी मिरर इमेज बनेगी और ये वाली इस तरीके से मिरर इमेज बनेगी। तो देखो ऐसी कौन सी फिगर आपको दिख रही है, ऑप्शन 3 दिख रहा है और यही क्या है हमारे पास उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो भी बताओ इसका क्या होगा। अब आपको क्या है यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है और आपको बताना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं, अब आप समझ गए होंगे। और देखो एक इजी सा क्वेश्चन है, 39 को 27 लिखा है तो 43 को क्या होगा। कभी कभी ये भी एग्जाम में क्या करता है दुविधा पैदा कर देता है। तो देखो 3 और 9 लिखा है, अगर आप 3 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा 27 मिलेगा। तो सिमिलरली मेरे को 43 का मतलब 4 इंटू 3 करूंगा तो कितना मिलना चाहिए 12 मिलना चाहिए, तो 12 मिलेगा तो मतलब ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्लियर, चलो ऑल क्लियर, ठीक है ऑल क्लियर हो रहा है ना, ऑल क्लियर होना चाहिए ठीक है, पूरे तरीके से क्लियर नहीं होना चाहिए। आगे देखो यहाँ पे अपने अगर पी क्यू के एक सामने मिरर रख दिया तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ई ऐसा बनेगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ठीक है, वी ऐसा है ऐसे ही कहीं रहेगा, आई एन, अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऑलरेडी गलती कर रखी होगी पी, और देखो यहाँ पे एस लिखा हुआ है और यहाँ तो देख लेते हैं, उसके बाद वी बनेगा फिर आई बनेगा फिर क्या बनेगा एस बनेगा, तो एस बन रहा है यहाँ पे, एस बन रहा है बट यहाँ पे नहीं बन रहा, तो वन भी गया आपके पास, फिर कौन सा बन गया ये ऑप्शन आपके पास सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है कहते हैं ना कि समय कम काम ज्यादा, तो वही यहाँ पे चल रहा है। क्या लिखा है यू टुक माई प्लेस इन को, क्या लिखा है इस तरीके से लिखा है कूपन एल सी समथिंग समथिंग, चलो मतलब यहाँ पे वाई ओ यू को क्या लिखा हुआ है सी ओ यू लिखा हुआ है, टी डबल ओ के को क्या लिखा हुआ है पी डबल ओ एन लिखा हुआ है, एम वाई को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एल सी लिखा हुआ है, पी एल ए सी ई को क्या लिखा हुआ है प्लेस को लिखा हुआ है क्यू वी ए के आई के ए ई, और आई एन को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आई जे लिखा हुआ है, ये समथिंग समथिंग लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया है भी कंपाइल को क्या लिखेंगे, तो क्या लिख देते हैं सी ओ एम पी आई एल ई। तो देखो C कहाँ पे है दिख रहा है आपको, C C यहाँ पे दिख रहा है, C का क्या लिखा है कोड K लिखा है ठीक है, C का कोड क्या लिखा है K, तो यहाँ पे K आना चाहिए, तो
कई आ गया मतलब ये नहीं होगा। अब आपके पास लास्ट में क्या है भाई, आप देखो यहाँ पे ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, मतलब मुझे इसको चेक करना है जो सेकंड लास्ट है, ये एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे एल है नहीं है, टुक में नहीं है, माई में नहीं है, यहाँ पे एल को लिखा है वी, तो यहाँ पे वी होना चाहिए और ई एज इट इज लिखा हुआ है, तो ई तो एज इट इज चलेगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन टू में नजर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू हो जाएगा। क्लियर है, आओ भी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो इसी से हिंट मिल गया मुझे, इसी से हिंट मिल गया ना यहाँ पे, तो क्या लिखा है, आर के टी आर जे, आर के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, देखो आर के बाद जे आ रहा है, फिर यू आ रहा है, तो मतलब आर के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे जे आना चाहिए, तो जे आएगा, फिर जे के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे जे के बाद यू आना चाहिए, फिर यू आएगा, जे के बाद आर आ रहा है, जे के बाद आर आ रहा है, यू तो है ही नहीं, एक ऑप्शन बचा, ये मेरा हो गया और क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है भी इसमें से कौन सा रिलेशन आपको विच आर रिलेटेड इन द सेम, मतलब क्या है कि चार ऑप्शन में से कौन सा आपको सेम मिल रहा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है और 252 लिखा है, ये लिखा हुआ है। अगर मैं 7 की गुणा किससे करता हूँ, 9 से करता हूँ, 7 की गुणा 9 से करता हूँ तो 63 मिलता है। अच्छा मैं इसकी अगर 4 से गुणा कर दूं तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 12 और 25, यही हो सकता है। तो उसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, शुरू के दो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या करेंगे, 4 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 120 और 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 और 10 करता हूँ तो 120 मिलता है, और 120 को 4 से करूंगा तो वो नहीं मिलेगा नंबर, ठीक है। ये तो क्या बन जाएगा आपके पास, 480 बन जाएगा, और ये तक 260 है तो ये नहीं बनेगा। 6 और 9 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 54 होता है, और 54 की जब 4 से करूंगा तो ये लास्ट डिजिट 6 देगा, तो ये नहीं होगा। 88 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करता हूँ तो ये 352 देगा, ये बन जाएगा भी, यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आप इसको चेक करना चाहो तो कर सकते हो, 48 की मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो ये कितना होगा, 32 होगा, और ये 3 होगा, ये 192 होगा। क्लियर, तो हमारे पास क्या बन गया इसका आंसर, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो ये जो फील्ड वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे क्या है अनफील्ड है, यहाँ फील्ड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक अनफील्ड वाला आएगा, तो फील्ड वाला हट जाएगा, ठीक है। अब पोजीशन देख लो, पहले नीचे था, फिर इधर किसका, फिर क्या हुआ, थर्ड में ये ऊपर पहुंचा, चौथे में कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा, मेरे पास ये और ये बचे, इतना एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद कैसे एलिमिनेट करोगे, ये अब इसकी पोजीशन देखो, इसके साथ क्या हरकत हो रही है, पहले ये इस तरीके से लेटा था, फिर इसको 90 डिग्री घुमा दिया, घूम गया, फिर 90 डिग्री घूम गया, घुमा दो, फिर घुमा दो, एक तरीका तो ये है। अगला तरीका ये है कि यहाँ पे देखो बॉटम की तरफ फील हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फील हो रहा है, और आप फिगर में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्रॉस के अपर साइड में फील है। अगर क्रॉस के अपर साइड में फील है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचेगा, वो मेरे पास ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 letters clusters have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला different है। देख लेते हैं भाई, वही एक तरीका है, तरीका तो यही है जो आपको मैंने बता रखा है। क्या करो, पहले नंबर प्लेस लिखो, फिर देखते हैं क्या होता है। इसका देखते हैं, O का 15, B का 4, Z का 26। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, क्या है ना, एक मिसिंग है, ये क्या है, आई है, आई है। तो यहाँ पे बीच में आई लगा देते हैं, आई का कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 26, 20, 15, 12, 1, 21, 16, 12, जे 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 10, बी 4, वाई 25 एंड यू 21, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हरकत चल रही है, यहाँ पे जो हरकत चल रही है, 26 में से 6 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, एक में क्या हुआ भी, 1 से 21 हुआ, मतलब एक को 26 भी लिख सकता हूँ, तो 26 में 5 कम हुआ, 21 में कितना कम हुआ भाई, 5 और 6 4, 10 में कितना हो रहा है, 6 हो रहा है पहले,
ये तो अलग ही कहानी चल रही है, अलग लेवल का क्वेश्चन चल रहा है। चार मतलब पीछे गया पांच, फिर कितना हुआ पांच से मतलब चार, छह पांच चार, छह पांच चार, 26 में अगर 26, अच्छा एक तो 27 है, एक कितना है भी 27 है, बता दिया करो, एक क्या है 27 है, तो 27 से 6 कम हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, मतलब ये इसमें भी फॉलो हो रहा है, 15 से 6 गया, फिर ये 5 कम हुआ, जेड हाँ, फिर ये कितना हुआ होगा 4 कम हुआ है, आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा है यहाँ पे, आपके पास 6, 5 और 3 हो रहा है, मतलब ये डिफरेंट हो गया और यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है डिक्शनरी में किस तरीके से इनको अरेंज करोगे। तो आर ई सी ई, आर ई सी ई, आर ई सी ई, सबसे पहले तो आर ई सी ई आएगा, तो आ जाएगा ठीक है, फिर कौन सा आएगा, ये हट गया यहाँ से, अब आर ई सी एल, ई के बाद क्या आएगा, एल आएगा, चौथा आ गया ठीक है। उसके बाद क्या है, पांचवा छठे में देख लेते हैं, तो पांचवा छठा देख लेते हैं कौन सा है, अभी यहाँ पे पांचवा ये है, रिकॉन्साइल आएगा या रिकॉग्नाइज आएगा, तो रिकॉग्नाइज आएगा मतलब छठा आएगा, तो दो चार छः, दो चार पाँच, दो चार पाँच तो था ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा ये वाला, और हम लोग बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द पेयर दैट इज डिफरेंट, ठीक है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर आपके पास डिफरेंट है, ठीक है ये आपके पास ऑप्शन है। तो मतलब ये क्वेश्चन कैसा रहा होगा, क्वेश्चन हमारे पास रहा होगा इस तरीके का, ये वाला ठीक है, अभी आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब देखो इतना बड़ी डिजिट है मेरे पास, क्या इतनी बड़ी डिजिट है, तो भाई ये किस तरीके से बन रही होगी अल्टीमेटली, तो यही यहाँ पे देखो 493 लिखा हुआ है और यहाँ पे इतना बड़ा नंबर लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो LHS में जो डिजिट लिखी है और जो RHS में जो डिजिट लिखी है, उन दोनों का सम बराबर होना चाहिए, सम बराबर होना चाहिए, तो देख लेते हैं यहाँ पे 493 लिखा है, मैं सम भी नहीं करूंगा, 4 है 9 है 3 है, मतलब यहाँ पे भी 493 बनाना पड़ेगा, तो ये 4 लिखा हुआ है, 639 हो गया, और ये कितना लिखा है 3 लिखा है, तो 4 9 और 3 मतलब ये वाला चल रहा है, 577 5 ही लिखा हुआ है, 7 4 और 3 7 हो गया, 3 2 5 और 5 3 8 मतलब इसका आंसर यही होना चाहिए जो यहाँ पे डिफरेंट है ठीक है, बाकी को आप चेक कर सकते हो, देखो 7 7 8 तो 7 ये लिखा है, 5 और 3 8 हो गया, और 2 4 और 1 7 हो गया, यहाँ पे देखो 2 7 तो 2 ये बना, 7 ये बना और 8 ये बना, क्लियर, बाकी आप सम करके देख सकते हो मैंने तो क्या किया है, तरीके से जो नंबर लिखे थे वो नंबर बनाने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि हमें आता सब कुछ है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें नहीं आता है, बट हमें क्या है कि हम एग्जाम में किस तरीके से करें कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और विद एक्यूरेसी करेक्ट होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन में ये एम्बेडेड है, भरा हुआ है, तो भी इस तरीके से है और एक डंडा इधर, एक डंडा, तो ये तो हो नहीं सकता, क्या हो रहा है ठीक है, हाँ ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है ना, मतलब ऐसे बनना चाहिए और यहाँ पे कोई डंडी दिख नहीं रही है। अच्छा अगर आप इसको देखो, इसको इसको इस वाले को, ये रहा और ये रहा और ये रहा, क्या इसमें बन पाएगा, इसमें नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें अगर ये चीज होती तो मैं बना भी देता, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको, वही सीरीज बनानी है ठीक है, तो देखो जेड 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 ए ए ए सी और पी, एक काम करते हैं हम लोग, बीच का भी चेक कर लेके देख लेते हैं, बट उससे बात बनेगी नहीं, एक काम करते हैं ना, फर्स्ट और लास्ट को ही चेक कर लेते हैं हम लोग है ना, फर्स्ट और लास्ट को, सबसे पहले तो फर्स्ट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट भी डिफरेंट है लास्ट में भी डिफरेंट है, तो डी लिखा हुआ है, डी का मतलब 4 होता है, फिर सी लिखा है, सी का मतलब 3 होता है, बी लिखा है 2 होता है, ए लिखा है 1 होता है, तो भी बैक हो रहा है, बैक होगा तो अगला क्या आएगा 26 आएगा, और 26 का मतलब जेड होता है, तो फर्स्ट अल्फाबेट ही मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट अल्फाबेट से ही मेरा काम बन गया जिसमें जेड है, और ऑप्शन वाले ने भी इतने अच्छे ऑप्शन बनाए कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन विद इन सेकंड हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार समझाया है, जब भी ये वाला क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि इक्वल टू वाला होना चाहिए लास्ट में, वो है, दूसरी कंडीशन ये देखो कि हमारा जो नंबर है वो डिवाइड होना भी चाहिए, मतलब आपको इक्वल्स टू में लास्ट में बनाना है 130,
अब 130 कब बनेगा, जबकि 133 से क्या हो, छोटा हो। और आप देख लो कि जो 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 बार। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सिंबल होना चाहिए ये डिवीजन का होना चाहिए, तो ये वाला मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब ये मेरे पास ये दो ऑप्शन रह गए, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस है, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, माइनस। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इन दोनों को। सबसे पहले चेक कर लेता हूँ, 14 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस का 39 प्लस का, अब 133 डिवाइडेड बाई 19 मैंने डिवाइड कर दिया तो ये कितना आया, 7 आया। ठीक है, अब ये 14 इंटू 7 हो गया 98 माइनस 39 प्लस का 7। ठीक है, अब 7 और 8 कितना होता है, क्या 9 बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन चेक करता हूँ, 14 इंटू 7 प्लस का 39 माइनस का 7। ठीक है, अब ये 98 हो गया, ये 39 हो गया, मतलब कितना हो गया, 32 हो गया। अब लास्ट वाला जीरो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और ये 130 ही बन रहा है, और 130 ही हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्लियर है? तो ये है कि आप जितना प्रैक्टिस साथ हमारे साथ जुड़े रहोगे उतना ही आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन कर पा रहे होगे। ठीक है, ये चेंज है जो टाइम से आपको नजर आएगा। तो क्या लिखा है, 3, 5, 7, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, 3, 5 फिर 7 फिर 23 फिर 27 फिर 31 फिर 69 फिर 135 फिर आपसे पूछा है भी यहाँ पे क्या होगा। तो ये तो एक क्वेश्चन आसान सा ही हो गया, क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 69 देगा, बिल्कुल देगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 135 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमें यह करना है, इसी की तो मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा, 217 आएगा, और 217 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये हमारे पास ऑप्शन 3 हो जाएगा। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, अब आपको बताना है भी इसमें क्या होगा। ठीक है, यूनिवर्स है, प्लूटो है, सोलर सिस्टम, पहले आप ये बताओ भाई जो यूनिवर्स है वो तो सब में है, ब्रह्मांड है, फिर आप कहोगे कि हाँ, फिर आप कहोगे कि जो सोलर सिस्टम है वो भी यूनिवर्स का पार्ट है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात है, और यूनिवर्स में सोलर सिस्टम में क्या है, प्लूटो आता है, बिल्कुल भी ठीक है ना। आप ये मत कहने लगे सर प्लूटो तो आप प्लैनेट रहा ही नहीं है, लेकिन क्या है कि ये पुराने वाले टाइम से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, ये बनेगा, क्योंकि अपने पास क्या है, वो ऑप्शन नहीं जिसने प्लूटो को अलग करके दिखा रखा है। ठीक है, हाँ, अब क्या है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि आप ये मान के चलिए, कंफ्यूजन तो यही है ना कि प्लूटो अब नो मोर, अगर प्लूटो नो मोर नहीं है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 2 होना चाहिए। अब ये कह रहे हो ना कि ब्रह्मांड के अंदर प्लूटो तो आता है, आप कह रहे हो कि सर प्लूटो ये ऐसा बनना चाहिए था, ये सोलर सिस्टम होना चाहिए था और ये प्लूटो होना चाहिए था, आपका कहने का मतलब ये था, लेकिन क्या है कि जो आयोग ने इसका आंसर माना है वो यही माना है। ठीक है, ये नहीं माना है, रीजन क्या है, वो अभी भी यही कंसीडर करते हैं कि आपके पास क्या है कि जो ये प्लूटो है ना उसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम पर डाल दिया गया, वो ना जो प्लैनेट है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इस सोलर सिस्टम के अंदर अभी तक क्या है प्लूटो को माना हुआ है, तो आप क्या करोगे, आयोग जिस चीज को मान रहे हैं उसी पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके बात से इससे भी सहमत हूँ, लेकिन ये है कि जो आयोग ने माना है, जो कमीशन ने माना है, ठीक है, वो है, तो इसलिए क्या है कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 17, 17, 20, 80, 85 सपोज करो एक्स 517, 17 से 20 बनाना है तो मैं यहाँ पे प्लस का 3 करूंगा। ठीक है, 20 से 80 बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, आपने कहा ठीक कर दो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये 85 बनाना तो प्लस कर दूं 5, ठीक है, कहोगे सर यहाँ पे 3 है या 4 है तो मतलब अगला नंबर पक्का क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन प्लस है फिर मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का 7 होना चाहिए, तो मतलब ये कितना बनना चाहिए, ये 510 बनना चाहिए। अब ये मेरा 510 बन रहा है या नहीं बन रहा है, 85 की मल्टीप्लाई करो 6 से तो 3 और 48 प्लस 3 51, मतलब बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, क्या है, रमेश इज द फादर ऑफ मणिदीप, तो यहाँ पे बनाएंगे मणिदीप
और मणिदीप के जो पापा जी हैं उनका नाम है रमेश। ठीक है, रमेश हैज ओनली टू चिल्ड्रन, अभी रमेश के क्या है, दो बच्चे हैं, मतलब इसका भाई होगा या बहन होगा। मणि इज द ब्रदर ऑफ निहारिका, जो मणिदीप है वो क्या है, निहारिका का क्या है, भाई है, तो ये निहारिका है, इसका भाई है। ठीक है, चलो, निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता, अगर निहारिका कविता की डॉटर है इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अमन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता, तो ग्रैंड डॉटर है कविता की, अच्छा ग्रैंड डॉटर कविता की। सुजीत, सुजीत इसका पापा है, भी देखो ये जो मणिदीप है तो इसकी निहारिका की भाई है, तो निहारिका का जो हस्बैंड होगा वो कौन होगा, वो सुजीत होगा, क्योंकि सुजीत क्या है, अनन्या का पापा है, तो अगर अनन्या का पापा है इसका मतलब ये है कि अनन्या यहाँ पर होगी। ठीक है, तो सुजीत का रिलेशन मणिदीप के साथ होना चाहिए, भाई सुजीत इसका क्या लगेगा, क्या लगेगा भाई, इसका क्या है, इसके सिस्टर का क्या है, हस्बैंड है, तो अगर सिस्टर का हस्बैंड है मतलब ब्रदर इन लॉ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। चलिए भाई आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है कि आज कुछ क्वेश्चन कम है ना, तीन चार क्वेश्चन कम होंगे, ऐसा नहीं है, बाकी 50 क्वेश्चन आज नहीं है, चलो तो कोई इशू नहीं है। मैंने क्या बोला, ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल के बस एक ही यहाँ पे रूल चल रहा है, वो ये चल रहा है कि अगर ये ट्राइंगल है तो इसमें तीन होते हैं, और अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है तो इसमें कितने होते हैं, छह होते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, आपको कोई सर इसमें तीन है, मैंने कहा ठीक है चलो, आपको कोई सर हो कि और ट्राइंगल भी बनाओ, मैंने कहा ठीक है ये बना देते हैं, ट्राइंगल ये दिख रहा है, आपको सर ये भी दिख रहा है, इसमें भी तीन है, ठीक है चलो, फिर कहोगे सर की और भी ट्राइंगल है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है भी, एक ये वाला ट्राइंगल है जिसमें क्या है, छह दिख रहे हैं आपको, ये वाला क्या है, छह है, तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो, तो यहाँ पे कितना हो गए, और कोई ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, और तो कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तीन प्लस छह प्लस तीन, ये कितना हो गया मेरे पास, छह छह बारह, तो बारह इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भी आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, आई होप आप लोग लेक्चर्स डेली बेसिस पे देख रहे होंगे, और जिनका भी एग्जाम है नियरेस्ट उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, आप इस सीरीज को फॉलो रखिए, बाकी मैं कह सकता हूँ कि आपको रीजनिंग में इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे हर तरीके के हर एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, और ये सीरीज चलती रहेगी जब, ठीक है, मतलब एक तरीके से आपका रीजनिंग में 100% आपके मार्क्स आने चाहिए, ये मेरी पूरी की पूरी आपकी तरफ मेरी तरफ से क्या है, कोशिश रहेगी। तो चलिए भी ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें, और बाकी अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ये कभी भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन देना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।